ओडिशा की राजधानी में स्थित भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन को भव्य और विश्व स्तरीय बनाने के लिए भारतीय रेल स्टेशन का पुनर्विकास कर रही है, जिसका कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। स्टेशन का पुनर्विकास कुल 308 करोड़ रुपए की प्रस्तावित लागत से किया जाएगा और यहां वर्ल्ड क्लास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्टेशन के वेस्ट और ईस्ट दोनों ओर भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें वेस्ट साइड में 3 फ्लोर और ईस्ट साइड में 2 फ्लोर होंगे। स्टेशन पर अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस कॉन्कोर्स होगा। रिटायरिंग रूम, फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज और किड्स प्ले एरिया जैसी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। लिफ्ट एस्केलेटर के साथ पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। यहां पार्किंग की भी शानदार सुविधा उपलब्ध की जाएगी। पार्किंग में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग की व्यवस्था भी होगी। वहीं सुगम आवागमन के लिए आगमन व प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जाएगा और यहां सौर ऊर्जा और जल संरक्षण जैसे प्रबंध भी किए जाएंगे। वर्तमान में स्टेशन के पुनर्विकास कार्य में खुदाई का काम पूरा कर लिया गया है। कास्टिंग कंक्रीट में फुटिंग, राफ्ट पीसीसी, आरसीसी का कार्य चल रहा है। रूफ स्लैब का कार्य प्रगति पर है। वहीं एयर कॉन्कोर्स के लिए फुटिंग कंक्रीट और पेडेस्टल कंक्रीट का कार्य किया जा रहा है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से यहां आने वाले यात्रियों का सफर सुगम तो बनेगा ही, साथ ही पुनर्विकसित स्टेशन से क्षेत्र में पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।